हरे कृष्णा राधे राधे। माघ मास चल रहा है, अति पावनी महीना है, तो इस महीने में हम तिल से हवन कैसे कर सकते हैं खुद से घर में, आज इस वीडियो में हम वही देखते हैं। खाली हम तिल से हवन कर रहे हैं इसलिए इसमें हम ज़्यादा चीज़ें नहीं डालेंगे, सिर्फ हम तिल ले रहे हैं। आप इसमें क्वांटिटी अपने हिसाब से देखोगे कि आपको कितना बड़ा हवन करना है और कितने सारे जने कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको मिनिमम पे बता रही हूँ कि कम से कम आप कितना रखकर इस हवन को कर सकते हो। 2 चम्मच मैं सफ़ेद तिल ले रही हूँ, 2 चम्मच काले तिल, 2 चम्मच बूरा और इसमें मिलाएंगे घी। ये तो है मेरी सबसे जरूरी सामग्री कि ये तो हमें डालने ही डालने हैं। इसके अलावा आप इसमें पंच मेवा डाल सकते हो, अपने हिसाब से क्वांटिटी रखें कि कितनी आपको डालनी है उतनी आप पंच मेवा ले सकते हो। आप औषधियां डाल सकते हो, गूगल अगर तगर कुछ भी जो भी आपको मिल जाए। तो मेरे पास ये गूगल है, मैं गूगल डाल रही हूँ, जो भी आपको मिल जाए इसमें वो उतना अच्छा होता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मेरी तिल की हवन सामग्री तैयार है, इसमें जौ या चावल हम कुछ नहीं मिलाएंगे। 108 आहुतियों के लिए मेरा इतना सामग्री बहुत है। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा जने हवन कर रहे हैं या और आपको करना है तो आपको ज्यादा माला से हवन करना है, ज्यादा आहुति देनी है, तो उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा दें। हवन सामग्री तैयार करने के बाद अब हम अपने हवन के लिए ये हम उपले ले रहे हैं। ये हमने गाय के गोबर के उपले लिए हैं। आप अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी जब हम इसको पकाएंगे, क्योंकि इसको हम कच्चा अपने इस पर नहीं रखेंगे हवन करने के लिए, इसको पहले हमें गैस पे पकाना है। इसके लिए आप तोड़ लीजिए इसको बीच में से, कभी भी साबुत उपला गैस पे नहीं रखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा एक और है, इसको तोड़ लीजिए, कितने भी हिस्सों में टूटे बस उसको इस तरह से रखकर मैं गैस को ऑन कर दूंगी और इसको पकने दूंगी। अब इतनी देर में जिस प्लेट के ऊपर आप जिसके ऊपर भी हवन करना चाहते हो वो आप ले सकते हो। लोहे के कुंड में हवन करना अच्छा नहीं होता, ये हमारी पीतल की प्लेट है इसमें कर सकते हैं। आप मिट्टी का जो कुंड आता है वो ले सकते हैं, उस तरह का उसमें आप कर सकते हैं। अब इसको हम तैयार कर लेंगे। अब ये हमने तैयार कर लिया, इसके ऊपर उपले पकाकर हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए अच्छे से हमारी हो गई है। अब हम इसको एक बार पलट देंगे। जो सबसे नीचे वाली होती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है, तो उसको ऊपर कर देंगे। थोड़ा सा सावधानी से करेंगे ये। ये देखिए मेरी हो गई है। अब जो तेज आंच आ रही थी वो निकलनी बंद हो गई है, इसमें से हल्का धुआं निकल रहा है। अब इसको मैं अपनी प्लेट पे ले लूंगी, तो यहां पे मैं इसको सेट कर लूंगी। ये मेरी 5 ही हिस्सों में है, बट अगर कभी 5 हिस्सों में ना हो तो उसको कम से कम 5 जरूर रखिएगा। जो भी हमारा हवन होता है समिधा भी हम कम से कम 5 ही लगाते हैं। ये मेरी इस तरह से आ गई, अब मैं इसको उधर ले चलती हूँ। अब यहाँ पे हमने रख लिया है दीवा, हमने साथ में रखेंगे, इसी से हमारी जोत प्रज्वलित होती है। तो सबसे पहले हम घी डालेंगे इसके अंदर। घी से देखिए, घी डालने से धुआं उठेगा। अब हम अग्निदेव का आवाहन करेंगे और अग्निदेव को बुलाएंगे। इसमें हम माचिस से नहीं जलाएंगे। अब पहले हम अग्निदेव का आवाहन करेंगे, उनको बुलाएंगे। जकारा शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारे अग्निदेव प्रज्वलित हो गए हैं। अब इसके बाद हम घी चहुतिया देंगे।
ओम प्रजापताये स्वाहा, ओम इंद्राये स्वाहा, ओम अग्नाये स्वाहा, ओम सोमाये स्वाहा, ओम अग्नाय स्वष्टा कृते स्वाहा, ओम भू स्वाहा इंद्र मग्नाये, ओम भुवः स्वाहा इंद्र वाया वाये, ओम स्वाहा स्वाहा इंद्र सुमियाये। अब ये हमारी घी से आहुतियाँ हो गई हैं। अब इसके बाद हम अपना मंत्र जाप स्टार्ट करेंगे। तो जिस भी मंत्र से आपको आहुति देनी है, को गायत्री मंत्र से आहुति देनी है, मृत्युंजय मंत्र से देनी है, या भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से आहुति देनी है, आप उसकी अब हम आहुतियाँ चालू करेंगे। ठीक है, तो वो हम किस तरह से करेंगे, बीच बीच में घी डालते जाएंगे। अभी देखिए अग्निदेव आ गए हैं, अच्छे से प्रचलित हो गई है। अब मैंने ना अपना ये एक बॉक्स बना रखा है, जब भी हम मंत्र जाप करेंगे, माला जाप करेंगे, तो वो कैसे पता चलेगा। ये मैंने इसके अंदर 108 मोती डाल रखे हैं, और इसी में ये मेरा एक दूसरा भी है। अब मैं एक एक मंत्र की आहुति देती जाऊंगी और एक मोती इसमें डालती जाऊंगी, ताकि मेरी गिनती होती रहे। कभी भी ऐसा नहीं करना कि सीधे हाथ से हम आहुति देंगे और सीधे हाथ से ही माला जाप करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हम सीधे हाथ से आहुति दें और उल्टे हाथ से माला जाप करें, मतलब माला पे हम मंत्र का सिमर करते रहे, वो गलत होता है। हमें सीधे हाथ से ही करना होता है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि आप मोती हो गए, कोई भी चीज जो आप 108 गिन सकते हो, उसको एक उसके अंदर रख सकते हो। अब इसकी मैं शुरू करूंगी। अब हम शुरू करते हैं अपना करना हल्का सा। जब भी घी डालें तो बहुत हल्का सा डालें, वरना एकदम प्रचंड आ जाती है जोत। बीच बीच में हम घी डालते रहेंगे। अब हम आहुति देंगे। आहुति देने के लिए आपको सामग्री बीच की अपनी दो उंगलियों पर रखनी है। इस तरह से हम रखेंगे दोनों उंगलियों के बीच में अंगूठे से दबा के, जितनी इसमें आ जाए उतनी ही सामग्री डालनी होती है। कई लोग ऐसे भर भर के डालते हैं, ये गलत तरीका होता है। ठीक है, तो हमें सामग्री उतनी ही डालनी होती है जितनी ये हमारे दो के बीच में आ जाए। और हम इस तरह से सामग्री डालेंगे, ऐसे फेंकेंगे नहीं, इस तरह से हमें उन्हें अर्पण करनी है। ये हमारे भगवान का भोजन होता है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, एक मोती डाल देंगे उसके अंदर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, मोती डाल देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। बस ये अब मेरा पूरा हो गया है। अब हम एक पूर्ण आहुति देंगे। अब जितनी सामग्री मेरी बची हुई है उसको हम ले लेंगे इकट्ठा, और उसकी हम पूर्ण आहुति देंगे। पूर्ण आहुति में हमारी सामग्री ज्यादा हो सकती है, आपकी जितनी भी सामग्री बची है उसको पूरे को हाथ में ले लेंगे और पूर्ण आहुति देंगे। ओम पूर्ण मदाहे पूर्ण मिदम पूर्णतः पूर्ण रिच्छते पूर्णस्य पूर्ण मदाहे पूर्ण मेवशक्तिः स्वाहा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। थोड़ा घी डाल लेंगे। अब ये हमारा यहाँ पे हमारा छोटा हवन पूर्ण हुआ है, बट हवन को कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसका आचमन करेंगे। थोड़ा सा जल लेंगे, जल को पहले घुमाएंगे हम अपने हवन के ऊपर और दोनों तरफ डालते हुए इसका समापन करेंगे। इस तरह हम बड़ी आसानी से खुद घर में हवन कर सकते हैं। माघ मास चल रहा है, तिल से हवन जरूर करिए, बहुत बहुत फलकारी होता है, बहुत शुभकारी होता है। इसी के साथ सभी जयकारा लगाएं, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
जय लड्डू गोपाल जी महाराज की जय, जय शालग्राम भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय, गौ माता की जय, जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।